बोलो बांके बिहारी लाल की जय, यार सद्गुरु यार महाराज की जय, ब्रज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण, नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, ध्रुव प्रहलाद विभीषण प्रभु को, ध्रुव प्रहलाद विभीषण प्रभु को, नाम लेत भय पारायण, हरि हरि नाम लेत भय पारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अच्छा हाँ, एक गुजारिश। जी संगीता, ये वाला जी श्लोक जो है ना, जी कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये इसका मतलब आपने समझाया था पहले भी एक दो बार, और समय समय पर इसका मतलब जी और बता दिया। अगर कोई नई संगत जी आए या हम जैसों ठीक को दोबारा सुनने का मन करता है, ठीक है। उसका मतलब हाँ जी समझा हाँ दो। जी। हाँ जी, वसुदेव सुतं, वासुदेव के पुत्र, देवं देवता स्वरूप वो देवता परम पिता, कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर जैसे राक्षसों का वध करने वाले, देवकी विनाश परमानंदम, देवकी के परम आनंद के कारण, हे कृष्ण वंदे जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं और आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उस कृष्ण की जगत गुरु की हम वंदना करते हैं। बहुत सुंदर। ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, हम छठे अध्याय के श्रवण कर रहे हैं, जो ध्यान योग के बारे में भगवान ने बताया है। थोड़ा सा एक श्लोक का सारांश लेके हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया, जिसमें भगवान हमें संन्यास और ध्यान के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं कि कभी कभी संन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए जब उन्हें संन्यास अर्थात सब कुछ कार्यों से मुक्ति मिल गई है, तो इसलिए वो सभी कार्य भी करना बंद कर देते हैं। किंतु वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार पार ब्रह्म से अपना संबंध स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, उन्हें लगता है कि हमने अब साधना कर ली, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमारी साधना बहुत उच्च कोटि की हो गई, तो वो कर्म करना ही बंद कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये भौतिक इच्छाओं से तो श्रेष्ठ है, लेकिन ये इनका स्वार्थ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं है। उन्हें लगता है कि अब हमारी साधना, हमने इतने चमत्कार करने आ गए, हम बहुत उच्च कोटि के हो गए, तो वो आगे अपनी साधना को बढ़ाते ही नहीं, जबकि उनकी साधना का लक्ष्य है उस परमात्मा के साथ एकाकार होना। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके, मतलब अपना धर्म का पालन नहीं करते, अपने कर्म ही बंद कर देते हैं, अर्धनिर्मिलित नेत्रों से योगाभ्यास करते हैं, वे भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लगा हुआ मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। अगर कोई योगी अपने स्वार्थ के लिए कोई सिद्धि
करने के लिए योग अभ्यास करता है, संन्यास ग्रहण करता है, तो भगवान कहते हैं उसमें उसका स्वार्थ है। ये उसका, जब तक वो योगी नहीं कहलाएगा तब तक वो संन्यास नहीं कहलाएगा जो स्वार्थ से युक्त हो, लेकिन जो परमात्मा के भजन में है बिना किसी स्वार्थ के, तो वही पूर्ण योगी माना जाता है। उसका एक लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, मतलब उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, वो परमात्मा के साथ बस एकाकार होना चाहता है। वह पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी, और इसी त्याग के कारण, इसी त्याग को सर्वोच्च प्रतीक मानकर भगवान चैतन्य क्या कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मे जन्मीश्वरे भवता भक्ति है तुकी तवई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अन्यायियों की कामना है कि मेरे बहुत सारे चेले हो जाएं, शिष्य हो जाएं, मैं ये भी नहीं चाहता। मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी प्रेमा भक्ति की ही कृपा की अभिलाषा करता हूँ कि जितने भी जन्म हो तब तक, जन्म जन्मांतर तक मेरी प्रेमा भक्ति बढ़ती ही रहे, बढ़ती रहे, और आपकी कृपा मुझ पर बरसती रहे, मेरी तो बस यही अभिलाषा है। अर्थात परमात्मा के साथ अगाढ़ उसका प्रेम संबंध किसी स्वार्थ के बिना, तो वही सन्यासी है। आगे के श्लोक अब हम श्रवण करते हैं, श्लोक क्रमांक 2। आगे भगवान हमें क्या बता रहे हैं। यम सन्यासमीति प्राहुर्योगं त्वं विद्धि पांडव न हास्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कह रहे हैं कि हे पांडु पुत्र, हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पार ब्रह्म से युक्त होना जानो। सन्यास का मतलब वो श्रेष्ठ सन्यास, योग का मतलब जुड़ना, उस एकाकार पार ब्रह्म ईश्वर से जुड़ना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। कोई कितना ही महान योगी सन्यासी क्यों ना, अगर वो अपनी इच्छाएं उसके मन में है, उसके अंदर कामनाएं है, तो वो भी पूर्ण योगी नहीं है। वास्तविक सन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। अगर मतलब कोई योगी पूर्णतः पूरे संसार का, भौतिक वस्तुओं का तिरस्कार करके, त्याग करके साधना कर सकता है तो वो करे। अगर कोई क्षत्रिय है तो वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ भक्ति करे। भगवान ये करे अपनी उसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार वो कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जब तक वह माया के वशीभूत होता है वह बंध जाता है, किंतु जब आध्यात्मिक शक्ति में सजग होता है तो वो अपनी सहज स्थिति में आ जाता है। और इस प्रकार मनुष्य जब पूर्ण ज्ञान में होता है तो उसकी इंद्रिय तृप्ति अर्थात इच्छाओं को भी फिर वो त्याग देता है, समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं। योगी अपनी सारी इच्छा कामनाओं को, अपनी इंद्रियों को वश में करके, जो अपने एक आंतरिक शिवा ऊर्जा से करते हैं काम, फिर वो अपनी उस ऊर्जा को अध्यात्म की तरफ लगाते हैं, जो इंद्रियों की भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, और यही ऊर्जा उनको इंद्रियों से, भौतिक आसक्ति से रोकती है। इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं, भगवान क्या बता रहे हैं कि जब तक संसार से विच्छेद नहीं होगा फिर शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात विच्छेद मतलब जब हम संसारिक चीजों से अपना मोह नहीं छोड़ेंगे तो मोहन प्रशांति की प्राप्ति नहीं होगी। प्रशांति अर्थात परम शांति। शांति एवं प्रशांति में भी सूक्ष्म अंतर है। शांति जो हमें छोटी मोटी चीजों से शांति मिलती है जो सांसारिक है, लेकिन प्रशांति अर्थात परम शांति, उस परमात्मा के भजन सिमरन से मिलने वाली शांति, इस प्रशांति की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य संकल्प और विकल्प दोनों को ही पृथक पृथक जाने। संसार से छूटना, संसार से विरक्त एवं योग से जुड़ना अंतरंग का संन्यास है। अर्थात भगवान कह रहे हैं संन्यास असल में है क्या, कि संसार को छोड़ दिया, उस मोह माया की चीजों से
विरक्त हो गए, उनसे कोई अटैचमेंट नहीं रखा। और योग किससे जुड़ना, से योग होना, योग एकाकार, उससे जुड़ना, वो अंतरंग संन्यास है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संसार के साथ विच्छेद एवं अंतःकरण के परम तत्व परमात्मा के संग अंतरंगता से विलय ही सच्चे सन्यासी एवं योगी के लक्षण है। गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन निर्वाह, अपने धर्म का पालन करते हुए, लेकिन उनमें मोह में ना पड़ना और अपने मन को, चित्त को लगातार परमात्मा के सिमरन के साथ भी लगाना, तो इस तरह का जो होता है भगवान कहते हैं वही सन्यासी और योगी के लक्षण है। कि संसार में ग्रस्त में तो है, लेकिन वो स्वार्थ नहीं है, उसका उनके साथ मोह नहीं है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि शुभ संकल्पों का त्याग भी कर दिया जाए। शुभ संकल्प अर्थात जो परमार्थ के लिए संकल्प किए जाते हैं, स्वार्थ के संकल्प, भोगों के संकल्प का त्याग करना है। अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भोग विलास के लिए संकल्प नहीं करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए संकल्प करना है। उच्च देह हेतु परमार्थ का संकल्प सदैव सार्थ रहना चाहिए। मतलब अगर हमें ऊंचा पद प्राप्त करना है, अपने अध्यात्म को, अपने भजन सिमरन की शक्ति को बढ़ाना है, तो परमार्थ का संकल्प होना चाहिए। लोगों की भलाई के लिए हमारा कार्य होना चाहिए। इन संकल्पों को ठीक कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे इतने लोगों का आई सर्जरी करनी है और मैं फ्री करूंगा, तो ये भलाई का काम है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो ये उसका अच्छा संकल्प है। और अगर वो सिर्फ क्लाइंट इकट्ठे कर रहा है कि मैंने लगा दिया है जिसको सर्जरी स्पेशल करानी है, तो उसकी ये फीस है, और ये तो फिर उसका स्वार्थ आ गया, फिर ये संकल्प नहीं है। महान तो संकल्प भगवान कह रहे हैं कि नहीं। परमार्थ के लिए होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं उसमें होना चाहिए। जब हाँ सांसारिक हाँ संकल्प छूट जाएंगे, तब स्वतः ही अंतरंग और बहिरंग दोनों स्थानों पर ज्ञान स्वयं ही संपुटित होने लगेगा। जब हम बाहर की चीजों में अपना मोह छोड़ देंगे, जब हमारा मन अच्छे कामों में, परमार्थ में, सेवा में लगेगा, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो ज्ञान, वो परमात्मा के लिए प्रेम धीरे धीरे प्रफुल्ल होने लगेगा, प्रस्फुट होने लगेगा। मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा और बाहर से हमारा मन छुटता रहेगा। किंतु भगवान कह रहे कर्म करना ही है, कर्मों को नहीं छोड़ना, कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अगला श्लोक, आरुरोक्ष मुनि योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। आगे भगवान अष्टांग योग बता रहे हैं। अष्टांग योग हमने पीछे श्रवण किया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। तो वही बता रहे हैं कि नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अब इस श्लोक में भगवान ने दो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करा है। यहाँ पर योग साधना के बारे में भी थोड़ा सा बताया है कि जो पुराने जो समय के जो संत महापुरुष ऋषि मुनि होते थे, या तो वो एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते थे, कोई पेड़ से उल्टा लटक कर करते थे, कोई भूमि से आग उठ के जला थोड़े के तपस्या साइडों करते पे, थे, आग जला कोई के, जल तो में, ये जल इनकी में। हाँ जल समाधि कोई लेते थे, तो ये सारी योग की ही उनके, मतलब कोई योग मुद्रा में जाके, मतलब अपने हाथों को पीछे दोनों बांध के, तो परमात्मा को ये प्रसन्न करने का उनका योग का एक माध्यम। अलग अलग भक्ति भगवान ने बताई है, एक कर्म योग बताया, ज्ञान योग, अब ध्यान योग बताया, आगे भक्ति योग भी आएगा। तो यहाँ पे जो बताया कि अपने आसन द्वारा ऐसी मुद्राएं कि अपने मन को, इंद्रियों को अंदर वश में करके, वो ऐसी मुद्रा में और गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करके सालों साल तक उस परमात्मा का सिमरन करते रहते थे। परमेश्वर की से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। मतलब किसी भी योग अवस्था का सहारा लेना, इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कठिन अपने शरीर के साथ योग मुद्रा में जाते थे
जिससे उनकी मन और इंद्रियां वश में हो जाए, मन अंतर्मुखी हो जाए। तो यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर अध्यात्म जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। तो ये सीढ़ी इसलिए कहा है क्योंकि जो अधम अवस्था है, जैसे हमारी है, हम अभी बाहर की ही चीजों में ही है, तो जड़ से चेतन की तरफ जाना, जो हमें दिखता है उसके आगे, जो वो परम पिता परमेश्वर है, जब उसका ज्ञान होता है, तो उसके लिए ये योग को सीढ़ी कहा है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के भी विभिन्न भाग और विभिन्न नाम जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह सीढ़ी योग कहलाती है और इसे तीन भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से योग? ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। और सीढ़ी के योग प्रारंभिक भाग को योगा रुक्ष अवस्था अर्थात आरुक्ष अवस्था, और अंतिम भाग को योगा रूढ़ अवस्था किया। आरुरोक्ष्य कहा है मतलब जिसने अभी अभी योगा अभ्यास अपना प्रारंभ किया है, और योगा रूढ़ मतलब अंतर ध्यान की समाधि तक चले जाना। तो श्री भगवान ने इस श्लोक में दो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करा है। एक तो आरुरुक्ष्य, आरुक्ष्य का मतलब हो गया कि जिसने अपनी योग साधना भी शुरू की है, और आरुक्ष्य से अभिप्राय है ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, संयम मार्ग पर चलने की इच्छा का मन में जागृत होना, कि मैं कुछ अच्छा पुस्तकें पढूं, कुछ वेद पुराणों का अध्ययन करूं। योग मार्ग मतलब योग साधना को करना, और संयम मार्ग अपने मन को और इंद्रियों को, इच्छाओं को वश में करना। तो सबसे पहले किसी भी साधक को इसी की जरूरत पड़ती है कि पहले वो कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक पढ़े, किसी सत्संग में जाए, किसी महापुरुष की संगति करे, ताकि उसके मन में वो इच्छा पैदा हो, उस परमात्मा के लिए थोड़ा रुझान पैदा हो। इसके लिए योग मार्ग पर जा सकता है, योग साधना कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है। संयम मार्ग पर अपने आप पर कंट्रोल करना, छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप पर कंट्रोल करना जब शुरू करता है, तब उसके लिए अध्यात्म का मन में जागृत होती है। सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आरुक्ष बनने के लिए अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाने की, जीवन का कल्याण हो, मन मननशील बने, अंतःकरण में एकाग्रता का सृजन हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने अरुक्षे की से संबोधित किया है। अर्थात योगी का बताया है कि जो योगी कौन हो सकता है, जो मन से मननशील बने, अंतःकरण में अपने मन के अंदर एकाग्रता लाए और भगवान के लिए जिज्ञासा पैदा हो। और दूसरा शब्द है योगा रूढ़, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसका मन संयमित हो गया है, जिसने साधना के द्वारा अपने अंतःकरण से उस परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, तो उस व्यक्ति को योगारूढ़ की संज्ञा दी गई है। पर यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य यह है कि योगारूढ़ हो जाने के बाद भी क्या रुक्ष बना जा सकता है? मतलब जिसे सब कुछ प्राप्त हो गया, जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए, क्या फिर उसको अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? तो संत तुकाराम का यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि संत तुकाराम ने सत्संग के द्वारा भगवान पांडुरंग को अपने हृदय में बसा लिया था, फिर भी सत्संग नहीं छोड़ा। अगर किसी को परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो भी जाते हैं, उसे परमात्मा मिल भी जाता है, तब भी उसे अपनी भक्ति, अपना सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने अंतिम समय तक अपने हाथों से जप की माला नहीं छोड़ी। ये बहुत बड़े बड़े संत और महापुरुष हुए हैं, चाहे इन्हें परमात्मा की प्राप्ति बहुत बहुत पहले ही हो गई थी, इनके बहुत सारे अनुयायी भी बन गए, इन्होंने पूरे भारत में और विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया, और कई कई पीढ़ियों ने इनके, संत तुकाराम के जो अभंग गीत थे, काव्य थे, उनका श्रवण किया। लेकिन ये जब तक जीवित रहे, चाहे इन्हें ईश्वर प्राप्त भी हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी, निरंतर उसी बिल्कुल पथ पे लगे रहे बिल्कुल। हाँ, और अंतिम जैसे समय तक बापू लगे रहे। शारदा राम जी, बापू शारदा राम जी तो भगवान को पा लिया था, भगवान के रूप हो गए थे, और फिर भी उन्होंने बिल्कुल सुखमनी सा पाठ बिल्कुल छोड़ा नहीं एंड तक, है ना। हाँ जी, ये ऐसे होता है ना संतों का कि बिल्कुल तो वो एक ढोंगी नहीं है कि मैंने इतना पाठ कर लिया तो अब मुझे सब प्राप्त हो गया तो छोड़ दिया, नहीं, उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, जब तक उस परमात्मा से एकाकार नहीं हो गया। तो यही पर भगवान कह रहे हैं कि वही असली सन्यासी है, वही असली योगी है, जो अपना मन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, और जिसका मन संयमित हो गया,
और साधना उसकी निरंतर लगी रहती है, तो वो योगारूढ़ फिर हो जाता है। वाह, और अंतिम समय तक उस परम पिता को नहीं भूलना चाहिए, सदैव उसको पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे हरे नमः। नमः। वाह, गजुर ग्रह लड़े चल भीतर, गजुर लड़े ग्रह लड़े चल भीतर, तो भीतर। लड़त लड़त गज हारायन, हरि हरि लड़त लड़त गज हारायन, श्रीमन नारायण 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 नारायण, नारायण भज मन नारायण नारायण। नारायण नारायण, गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर तेर सुनी सुनी रघुनंदन। रघुनंदन, आप पधारे श्री नारायण, हरि हरि आप वाह, पधारे श्री पधारे श्री नारायण, नारायण, भज मन भज नारायण 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 नारायण, भव से तारायण 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 तारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। बांके वाह, बिहारी लाल की जय, सतगुरु जी महाराज जय। की जय। वाह जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये वाला जो भजन है ना, हाँ, बड़ा ही प्यारा है ये भजन नारायण वाला। अगर पूरा अगर हो तो सारे अपने इसमें डाल दें, इसमें समय अपने ग्रुप लग में, जाता है ना, फिर थोड़ा अगर हो सके तो फोटो थोड़ा सा ही श्रवण करेंगे तो सबको फोटो याद खींच ही के, हो हाँ, जाएगा। अच्छा ठीक फोटो खींच के भेज। अच्छा हाँ, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका, बड़ा ही प्रेम से, बहुत ही आनंदमय जी, ये आपने, जो ये प्रभु ने कृपा की हम सब पे, जो ये ख्याल आ गया है ना, गीता माता का हाँ आपको, जी और हम सबका कल्याण हो रहा है, प्रभु करें।